executives of the Ambassadors Forum, Senior Program Manager, Fiji Rivers Fund, Mrs. Menka Diamond, distinguished guests, members of the media, staff of Ministry for Women, Children and Community Aviation, all the beautiful ladies and beautiful children. A very good morning to you all. Isam Bulganaka, Namaste, Assalamu Alaikum, Kensho, Satriya Kar, Ram Ram Sitara. सर्वप्रथम आप सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, इतनी हमें अच्छा लगता है देख कर कि एक जो नारी है शी इज टेकिंग प्राइड इन हर ओन सेल्फ, ये अच्छी बात है, हमको अपने आप पर गर्व करना चाहिए, है ना। आप सबको एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत राम राम और बहुत नमस्कार। हाय आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सीताराम सके। ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, आज ये हॉल जो है खचाखच भरा हुआ है, ये देखकर मैं इतना ज्यादा खुश हो रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी हियर अमंगस्ट यू ऑल दिस मॉर्निंग एज वी सेलिब्रेट द मोमेंटस ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे येट अगेन, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर इन द ब्यूटीफुल मुझे यहाँ ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके लिए तो नई हूँ नहीं, और मैं आज से ही नहीं आ रही हूँ। मंजू जी हमेशा मुझे पकड़ लेती है, जब मैं रेडियो में थी तब से भी नहीं, हम कितने अवसर पर गए यहाँ आप लोगों के साथ में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया, आप सबको बताना है, इसीलिए खुशी तो है। द वर्ल्ड वुमन हैज सो मेनी अदर नेम्स, ट्रेडिशनली पारंपरिक दृष्टिकोण डाले तो दे वे रिफर टू एवरीथिंग दैट डिपिक्टेड पॉजिटिविटी, माते माता माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा जय जननी मदर ऑफ द यूनिवर्स शक्ति नारी शक्ति पावर ऑफ वुमन, एंड डिस्पाइट ऑल दीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एसोसिएटेड विद वुमनहुड women have always been considered to be the weaker. क्यों हम लोगों को कमजोर समझा जाता है? जिस माता दुर्गा माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी के सामने मर्द नारी सब माथा टेकते रहते हैं बार बार, माता बुद्धि दो विद्या दो धन दो शक्ति दो, उसी नारी को कभी कभी घर में अगला समझा जाता है, है ना, कि अच्छा तुम घर के काम करो तुम कुछ नहीं करता, इसके बारे में तुम नहीं पूछो, अगर कुछ भी नहीं पत्नी पति से भी क्या हो रहा है क्या मीटिंग है, अरे शांति रखो तुम्हें नहीं पता चलेगा, हमें अपना काम करने दो, तब समझा जाता है ना। क्यों? ये समय आ गया है कि हम जो नारी है हम लोग अपनी शक्ति को पहचाने, वी हैव टू रियलाइज आवर स्ट्रेंथ आवर पावर, हमारी शक्ति को आपको पहचानना पड़ेगा। कमतर अपने आप को खुद अगर समझोगे तभी दूसरा हमें ऐसा समझेगा, इसीलिए बी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योर सेल्फ। बट टुडे द रियलिटी इज चेंजिंग, आज वक्त बदल रहा है समय बदल रहा है, वी आर फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड टुडे वी एज ह्यूमन हैव अ वॉइस, हमारी आवाज है हमारी पहचान है, वी हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस, दिस शुड बी सेलिब्रेटेड एंड दैट इज एग्जैक्टली why we are getting here today, to celebrate the essence of being women in the new age. Today is a global celebration of the social, economic, cultural and political progress of women all over the world. Sirf hamare desh mein nahi, nari ne bahut pragati ki hai, bahut kuch achieve kiya hai, usko aaj hum celebrate kar rahe hain, aur hum chahte hain ki jo hamari nari hai ye aage hi aage badhte rahe। A very happy international women टू ऑल सभी को आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और शक्ति का एहसास करवाना, जैसे मैंने कहा यू हैव टू रियलाइज योर पावर, तो आपके अधिकार
आपकी शक्ति का एहसास करवाना है, समाज में महिलाओं के प्रति जो तुच्छ मानसिकता को बदलना है, हमें महिलाओं की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना और समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले महिलाओं का मनोबल बढ़ाना है, और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना है कि लोग महिलाओं को हर जगह पर सम्मान की दृष्टि से देखें, रिस्पेक्ट दें। समाज में महिलाओं के प्रति फैली जो असमानता है इसको दूर करना है, महिलाओं की शिक्षा विकास पर जोर देना है। आपको पता है हमारी सरकार एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा मनोबल दे रहे हैं, लीव नो वन बिहाइंड, हर किसी को शिक्षित होना जरूरी है, और साथ में हमारे विकास पर भी जोर देना है, उन्हें अपने अधिकार दिलवाने और अपनी शक्ति का एहसास करवाने, सभी उनके अंदर आत्मनिर्भर बनाने का भाव पैदा करने के मकसद से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम नारी माने अपने आप को जाने की भी कैन डू थिंग्स। आजकल तो महिला कितना बिजनेस वूमेन हो गई है ना, बहुत सारे यंग वूमेन अपना अपना बिजनेस संभाल रही, कोई पोल्ट्री का, कोई सब्जी का, कोई मार्केट बैठा है, और डॉक्टर लॉयर ये टीचर ये तो है अपनी जगह, लेकिन हमारे जो नारी पहले लोग घर के चार दीवारी में रहते थे, आज हम बाहर निकल जाए, आपको देखो अब सब यहाँ पर आ जा रहे हैं, और जब आते हैं तो खुशी मिलती है, एक दूसरे से मिलते हैं परस्पर, वी मीट ईच अदर, वी शेयर विद ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर, नेटवर्किंग बढ़ती है, संबंध बढ़ते हैं, प्रेम बढ़ता है, कितना अच्छा लगता है। इस मौके पर पूरी दुनिया में महिलाओं की उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है और आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाया जाता है कि और आगे बढ़ो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की तुलना में आज महिलाएं ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम हैं और उनकी स्थिति में पहले से ही तुलना ज़्यादा सुधार भी आई है, लेकिन शर्मिंदगी बात की है कि आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ महिलाओं को शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती है, महिलाओं को कभी मारा जाता है, कभी शोषण किया जाता है, रेप के विक्टिम्स हैं हमारे बच्चों, ये भी है समाज में, और आपको पता है, और आज भी उन्हें घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता है, यही नहीं कई महिलाओं को तो उन्हें जन्म से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारे देश में लड़की और लड़के के बीच भेदभाव नहीं है, वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, बेटी पैदा हो तो हम खुश, बेटा पैदा हो तो हम खुश। हमारे यहाँ दहेज वगैरह की प्रथा नहीं है, मेरे अब बेटी हो गई दहेज कहाँ से लाएंगे इसे, इसको अब पता है कई देश में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, देयर इज अंडरस्टैंडिंग कि बेटियाँ भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती है सोशली इकोनॉमिकली। एज यू लुक बैक एट सेंचुरी वी फाइंड मेनी डार्क एजेस वेयर वुमेन इन डिफरेंट लैंग्वेज इज अप्रेस्ड ट्रीटेड एज कमोडिटीज विद नो वॉइस इन डिसीजन मेकिंग एंड नो रोल इन डिसाइडिंग हाउ सोशल एंड कम्युनिटी लाइफ इवॉल्व। आप कभी कभी शायद समाचारों में देखते होंगे, कभी आपने सुना होगा, कभी आपने पढ़ा होगा, यू नो कई ऐसी जगह है सोमालिया की कहानी है, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका जेनिटल म्यूटिलेशन होता है, बचपन में ही उनके प्राइवेट पार्ट्स को सील दिया जाता है, इस्तेमाल क्या करते हैं काटा नीरू भी उस समय उस जमाने में वो ये कुछ एंटीसेप्टिक वगैरह कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे यातनाओं से हमारी बच्चियाँ जीती थी। मेरी जल्दी किताब पढ़ रही थी और वहाँ पर कुछ देश रहता है कि जो मर्द है महिला हर महिला पर उनका अधिकार है, क्या कैन डू वट एवर आई वांट टू बी द वुमन इन द हाउस, उनके बच्चियों के कारण खुद के बच्चे के साथ रेप करके और जब खून इत्यादि निकल जाए तो गर्म चूल्हे पर बैठा देते हैं ताकि द ब्लड प्राइज अपने, इतनी इतनी तकलीफ, कभी कभी पढ़ते पढ़ते आंखों में से आंसू निकलने लगते। वी आर सो लकी कि हम लोग इस देश में जन्मे हैं जहाँ पर हम लोगों को बेटे बेटी को समानता अधिकार मिलता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आज भी रेप होते हैं, शोषण होती है, और महिलाओं को कदम आगे बढ़ना है इस दिशा में, अब आवाज़ उठानी है और अपनी बेटियों को और अपने बेटों को
सुरक्षित रखना है। आज हमारी कई जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, यूनिवर्सिटी में अगर देखो भाइयों बहनों, हमारे बेटियां ज्यादा है यूनिवर्सिटी में, लड़कियां ज्यादा है। तो वो गर्ल्स से अच्छा लगता है जान करके हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। और वी हैव मोर वुमेन ओनिंग बिजनेसेस देन स्टाइलिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, ये भी अच्छा लगता है जान करके। और हम सबको पता है कि जो पिछला साल था पूरी दुनिया में COVID-19 ने इतना तहलका मचा दिया है। लाइवलीहुड सेवंस पे इफेक्टेड इज वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिस्ट्रिक्टिंग मोड, रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट, शटिंग डाउन बिजनेसेस एंड चेंजिंग द वे वी लिव आवर लाइफ। इसीलिए कहते हैं कि मेरा नाम बदल, काफी कुछ बदल गया है। फॉर अस स्टूडेंट्स द डेविस्टेशन ऑफ COVID-19 वाज डबल, दुगना हो गया विद द इफेक्ट्स ऑफ अस स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक विपत्तियां। For many future families, life will not be the same since 2020. It goes without saying that when a family is suffering, burden to fix everything is hardest felt by women. घर के नारी पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है जब हम ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं। The unpaid care increases. घर के काम करो तो कौन हमें तनख्वाह देता है? घर के काम करने के लिए कोई देता है? हो सकता कोई पति आजकल एम्पावर्ड हो गए, वो अपनी पत्नी को हर महीना या हर हफ्ता तनख्वाह देते हैं, सौदा लाने का पैसा देते हैं, वो सोचते हैं पैसा देते हैं, उनको पता नहीं कि सौदा लाने में कितना खर्चा होता है ना, वेरी एक्सपेंसिव। आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, पार्टिसिपेशन, सब अफेक्ट हो जाता है। और फिर जो बैलेंस है वो अपनी जगह, लेकिन एक नारी जो है She forgets herself, अपने आप को भूल जाती है और इतना हद तक जाती है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे पति को सहयोग मिले, मैं थोड़ा कपड़ा सी लूँ ताकि मेरे पति की जो इनकम उसमें वृद्धि हो जाए, मैं अपने बच्चों की देखभाल करूँ, उसको अच्छा सच्चा खिलाऊँ, अपना पेट माँ कभी नहीं देखती, वो देखती है कि हमारे बच्चे ने खाया या भूखा सोया, सब कुछ चैलेंजिंग होता बहुत ये टाइम। डिजास्टर्स लाइक पेंडेमिक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स हम लोगों के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो देखियो नंबासा की जो महिलाएं अभी भी आप लोगों ने जो तकलीफ झेला है, बाढ़ का पानी यहाँ इतना चढ़ा, शायद सीजी ने कहीं इतना नहीं नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी डिस्पाइट सब कुछ आप सब यहाँ पर जो शरीर मत के साथ योर करेज, योर मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। महिलाएं यानी आगे आबादी के बिना किसी भी समाज या देश के विकास के बारे में सोचा नहीं जा सकता, चाहे कोई माने या नहीं माने। विदाउट अस वुमेन, दुनिया की आधी आबादी है और हमारे बिना ये देश नहीं चलता है, कोई भी देश नहीं चलता, दुनिया में नहीं चलता, क्योंकि महिलाएं न सिर्फ किसी परिवार का मुख्य आधार है और परिवार को एक सूत्र में बांधने का जो काम करती है, कीप योर फैमिलीज टुगेदर, बल्कि वे देश की उन्नति, प्रगति और विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 21वीं सदी में जहाँ लोगों पर मॉडर्न सोच हावी हो गई है, वहीं आज भी कई महिलाएं गुलामी का दंश ले रहे हैं, कई अन्य देशों में ऐसा होता है, आज भी महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिलहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और आज समाज महिला शक्ति सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं और महिलाओं के विकास शक्ति के बढ़ावा देने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सम्मेलन भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट। और इस तरह से हम इस अवसरों के माध्यम से महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास होता है, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है कि वी कैन डू इट। महिलाओं ने अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर ही विपरीत परिस्थितियों में भी हर जगह अपना डंका बजाया है और दुनिया का कोई भी क्षेत्र आगे ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं का रुतबा
या दबदबा नहीं है, एवरीथिंग द ग्लोबल थीम को आईएमडब्ल्यू 2021 जो इवेंट थी है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड, और भी थीम है चूज टू चैलेंज द फर्स्ट सेट लीडरशिप ऑफ वुमेन बीइंग्स राइट इन योर होम्स एज अ नेशन वी कैन प्राउडली बोस्ट दैट वुमेन लेड बाय मैनेजिंग द कोविड-19 डिजास्टर सिचुएशन इन फिजी एंड ऑल ऑफ दिस कोविड-19 आपको बता रहे कौन है. I acknowledge Dr. Alisha Shahu Khan, the head of health protection in the Ministry for Health, the district director, Vasithi Soko, the hundreds of nurses, doctors, police women, military women, and other women who have worked tirelessly for our country. Hamare jo, as a nation, we can very proudly boast. Like I said, that a woman led the way to managing COVID-19 and disaster situation in Fiji. And these are the women, Dr. Alisha Shahu Khan, head of protection, head of health protection in the Ministry for Health, and district director, Vasithi Soko, and tamam hamare jo nurses hain, hamare police women hain, doctors hain, military men aaye hain, sabne bahut mehnat ki hai aur lagatar kar rahe hain. We should not forget them. Thank you so much for your contribution, for your sacrifices. They inspire us to be fighters and to be strong no matter how difficult life gets. The bravery of these women reminds me of a few lines from a poem, Essences of a Woman by poet Alisha Lee, as I count. She will gracefully swim across. She will gracefully swim across a sea of tears. And still have the ability to remove your greatest fears and doubt. वो बहुत एक निष्ठापूर्वक ये आंसू के समंदर को पार कर जाएंगी. ये नारी है, हम नारी हैं. कितनी नारी अपने जीवन काल के पीछे मुड़कर देखो तो शायद बैठकर कभी आपने रोया होगा, हालात पर रोया होगा, अपनी मुसीबतों पर रोया होगा, अपनी तकलीफ पर रोया होगा. लेकिन किसी और को शायद घर में एहसास नहीं दिलाया, अपने बच्चों को कभी एहसास नहीं दिलाया कि मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती. बिल्कुल कोई औरत ऐसी होगी जो ऐसा करेगी. घर में जाती कि कोई नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, आई हैव टू गेट अप एंड कुक. नहीं पता चलता है, चुपचाप आपके बाहर लेके वेरी ग्रेसफुली स्विम अक्रॉस द टीयर्स ऑफ सी और अ सी ऑफ टीयर्स एंड स्टिल हैव द एबिलिटी टू रिमूव योर ग्रेटेस्ट फियर्स. घर वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देगी, उसको पता भी नहीं चलेगा. मुझे याद है भाई बहनों, मैं बहुत छोटी थी, मेरे पास 6 भाई, सब लड़के परिवार के, कोई लड़की नहीं, मैं सिर्फ टिकली होती. मेरी आजी, मेरी माँ और मैं. आजी तो आजी है, 6 बच्चे, पिता 7, आजा 8, 2 काका 9, 10 मर्द इन द हाउस. और मैं 9-10 साल की अपनी माँ की कितना मदद करती. हम लोग जाते पहाड़ों पर लकड़ी. आजी अभी एक बार मैं ऐसे आ रही थी, मैंने कहीं रास्ते पर एक लड़की को देखा, एक छोटी वाली, सर पर लकड़ी बांध कर पानी झीबर झीबर बरसात हो रही थी, वो कड़ी थी था. मैंने ड्राइवर को बोला रुको रुको रुको, मुझे ये तस्वीर ली, इस लड़की ने मुझे मेरा बचपन याद दिला. हम लोग भी ऐसे 9-10 साल की उम्र से, हमारी आजी वो जो मार्टिनेट बॉल उसका वो कुशन बनाकर घर पर रखते, उस पर लकड़ी का बोझा हम लोग लेकर आते थे घर पर. आई मीन हम हल्दी खोदने जाते थे, हम लोग कुआं से पानी निकालते थे, और कोई लगभग 2-3 शहर दूर एक सरकारी जो पहले लाइन हुआ करता था ना, एलपीजी का, वहाँ ही एक टैप हुआ करता था. हम लोग बाल्टी में कपड़े भर कर लेकर जाते, घंटों लाइन में इंतजार करते जब तुम्हारा वक्त आ जाए तब तुम कपड़े धो, और फिर उसको सर पर उठाकर घर पर रखो. मेरी दीदी आई डी फ्रॉम द एज ऑफ 10 or 9 पॉसिबिलिटी. माथा माथा मत
देते थे, मध्य में चलाते थे, घर में गाय वगैरह थे, घर का दूध दही मक्खन सब कुछ। कभी कभी एक दिन मैंने देखा मेरी माँ रो रही है, शायद उसको बहुत बुखार थे। इतनी छोटी थी मुझे पता नहीं चला कि वो क्यों रो रही है, वो बीमार थी, लेकिन फिर भी उनको घर में खाना बनाना था सबको लिए। लाइक आज से मैं छोटी थी, मैं आज तक मुझे वो दृश्य आज तक नहीं भूली। मैं सोचती थी, अभी सोचती हूँ कि काश उस वक्त मैं कुछ कर पाती, क्या करती। बर्तन तो सब धोते थे, कपड़ा भी धोते थे, लेकिन मेरी माँ की वो आंसू मैं आज तक नहीं भूल पाई। लाइक मैंने कहा ना कि वो चुपचाप रो लेती है लेकिन सब कुछ करती है। ऐसी होती है नानी, उनमें इतना ज्यादा शक्ति होती है। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर फ्रंटलाइन फाइटर्स, आवर मदर्स फॉर देयर सैक्रिफाइसेस एंड देयर कमिटमेंट टू सेव आवर फैमिलीज एंड टू सर्व द नेशन। यानी कि लोग कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, इसीलिए हर किसी को नारी का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के महत्व को बताया गया है और यहाँ तक कि महिलाओं को देवी का रूप भी बताया गया है। श्रोता आज हमारे लोगों में भी नारियों के सम्मान होने लगी है, अच्छा लगता है। बच्चे या प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, अच्छा लगता है। बस ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड वुमेन स्पेशली रूरल वुमेन एजुकेशन लाइक ऑन द थीम फॉर टुडे सेलिब्रेशन हियर इन द मासा एम्पावरिंग ऑफ रूरल वुमेन। तो जो रूरल वुमेन है दे हैव टॉयड अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ स्टील्स लाइक ऑफ सोशल सपोर्ट जाएंगे। जिन्होंने हिंदी में कह दिया है ये जो बातें हैं कि आज वक्त आ गया है कि उनको मान सम्मान और इज्जत देने का। और इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी ऑफ जस्टिस बट इट आल्सो क्रूशियल टू फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। तो हमारे महिलाओं को अब सक्षम बनाना, प्रगतिशील बनाना और लड़कियों को सपोर्ट करना हमारे परिवार में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है श्रोताओं। और एक बस थोड़ा सा और है भाइयों बहनों कि आज हमारी सरकार भी वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत विश्वास रखती है। This government believes in tearing down laws and policies that discriminate against women, and this government, my government, believes in putting in place laws and policies that empower women. And we believe that future women can and will utilize these empowerment strategies to contribute positively to the nation. आप लोग जो हमारे कानून हैं उनको जानें। आपके पास बहुत अधिकार हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अपने अधिकार को जानते नहीं, कानूनी अधिकार को we don't use them. तो ये बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन को मैंने कह दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। फाइनली आई सैल्यूट द वुमेन ऑफ लंबासा फॉर योर रिजिलियंस। योर प्रेजेंस हियर दिस मॉर्निंग इज अ सिंबल ऑफ ग्रेट एंड्यूरेंस। आप लोग बहुत शक्तिशाली हैं डिस्पाइट द मेनी चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एज यू डेल्ट विद नो वन बट टू सीवियर साइक्लोन्स। एक नहीं दो दो साइक्लोन्स। The water levels during the floods must have been high, but your resilience is much higher. I want to say it. The water levels during the floods must have been high, but your resilience is much higher. The winds were strong, but your will to survive and conquer was much stronger. पानी का लेवल कितना भी ऊंचा रहा होगा, लेकिन आप लोगों की सहन शक्ति कभी कम नहीं पड़ेगी। हवाएं बहुत तेज चल रही थी इन तूफानों में, लेकिन द विल टू कॉन्कर एंड सर्वाइव वाज मच स्ट्रॉन्गर। आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे। द फैक्ट दैट वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टुडे टू सेलिब्रेट वुमेन डिस्पाइट लंबासा बीइंग मोस्ट अफेक्टेड बाय रीसेंट साइक्लोन्स इज परफेक्ट टेस्टिमनी टू डिस्क्राइब द ट्रू पावर ऑफ वुमनहुड। ये है ना
celebrate womanhood, no matter how difficult our circumstances may be at present. I salute your spirits, which embodies the essence of womanhood. मैं आप सभी को शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप लोगों को एनकरेज करती हूँ कि अभी हम फिजी भर हैं, हमारे मिनिस्ट्री द्वारा जो कंसल्टेशन है नेशनल एक्शन प्लान के टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, आप उन कंसल्टेशन में जब जब यहाँ होगा तब आप उसमें भाग जरूर लीजिएगा। बस विद दीज वर्ड्स हम इतना कहेंगे कि आया समय उठो सुनारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींद में तुम्हें प्रगति पत्थर करना है, अपने को कमजोर न समझो, जानती वो संपूर्ण जगत की और जननी वो संपूर्ण जगत की, अपने को कमजोर न समझो, जननी वो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णीय जगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से देखना है। मतलब अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको, मेरा बहुत बहुत प्यार।